بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على حل بيته الطيبين الطاهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم मन लमयू अमिन बफ़ाती फ़लाअना शफाती रसूल अक्रम फरमाया कि जो इंसान मेरी शफात पर ई मान न रखे वो इंसान ऐसा है कि अल्लाह उसको शफात से मेरी सरफराज नहीं करेगा आइए सबसे पहले देखते हैं कि शफात किसे कहते हैं शफात के क्या माना है फिर आकर देखें कि शफात कौन से लोग अल्लाह की बारगाह में कर पाएंगे और कौन से ऐसे अफराद हैं कि जिनको शफात नसीब होगी इन तीन सवालों के मुख्तर जवाब के लिए मैं आपकी उसमें अर्ज़ करूं कि शफात यानी किसी भी इंसान की सिफ़ारिश करना किसी भी ऐसे इंसान की कि जिसके अमल में कोई कमज़ोरी रह गई हो और उसको एक ऐसे मकाम तक पहुंचाना जहां तक वो पहुंचना चाहता है। हमारे यहां भी बहुत सारे ऐसे मामलत हैं कि जहां पर हमें सिफ़ारिश की ज़रूरत पड़ती है खुदा की बारगाह में भी बंदों को सिफारिश और शफात की ज़रूरत पड़ेगी और क़ुरान मजीद ने भी इसकी वजाहत की है रिवायात में भी ये बात मौजूद है कि ऐसे अफराद जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा अफराद होंगे जिनके दीन से अल्लाह राजी होगा अल्लाह ऐसे लोगों को क़यामत में शफात का हक हाँ देगा और वो अफराद जो उम्मत के गुनहगार अफराद हों परदारम उनको शफात नसीब फरमाएगा लिहाजा दो तरह के लोग योम क़यामत वजूद में आएंगे पहले वो अफराद होंगे कि जिनको अल्लाह अल्लाफात का हक़ देगा कि ये शिफात कर सकते होंगे दूसरे वो अफराद हैं कि जिनकी शफात होगी उनकी खसूसियत ये होगी कि ये अहिल ईमान में से होंगे मोमिन होंगे अक़ीदे के अतबार से मुकम्मल होंगे लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियाँ कोई गुनाह कोई कोताही और कोई गलती रह गई होगी कि जिसकी वजह से उनके नामय अमाल में कोई मुश्किल पेश आ रही होगी कि जिसकी वजह से उन्हें जन्नत में दाखिला न मिल पा रहा होगा तो फिर यहाँ पर उनको शफात की ज़रूरत पड़ेगी अलबत् रसूल अक्रम स ने फरमाया कि शफात ऐसे इंसान की होगी कि जो गुनहगार हों इसका मतलब ये है कि जो ऐसे अफरादार ना हो या गुनहगार तोबा तो कर बारगाह में इंसान अपनी तोबा को आकर अपना शफी बनाए खुदा की बारगाह में रसूल अक्रम सलाम ने फरमाया कि ला शफी या अनजाम कि तोबा से बढ़ कर कामयाब तरीन शफात कोई और चीज़ नहीं है लिहाजा इंसान आए और अल्लाह की बारगाह में तोबा करे तोबा यानी अल्लाह की बारगाह में एहसास निदामत करना अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगना अल्लाह की बारगाह में एक शर्मिंदगी का एहसास होना कि मैं कितना बदबक था कि मैंने उस करीम और महबूब अल्लाह की बारगाह में भी हमने गुनाह से काम लिया और उसकी नाफरमानी की तो इंसान आए और अपने गुनाहों की तलाफी करे और तोबा का मतलब फ़क़् ज़बानों से तोबा करना नहीं होता या जैसा हमारे यहाँ मशहूर है कि अपने हाथों को जो है अपने रखसारों पर जो है वो चंद मरतबा मार लेने का नाम तोबा होता है ना इस्लाम कहता है तो हकीकी तोबा यह है कि इंसान के दिल में जो कुछ किया है उसके लिए निदामत और पछतावा मौजूद हो और आगे इस बात का मुकम्मल कर्द हो कि वो आगे ये सारे काम नहीं करेगा लिहाजा शफात जो है वो अल्लाह की बारगाह में अम्बिया वसलाम वस वस के ज़िम्मे होगी कि वह आकर शफात करें इम अहल सलात वाम के ज़िम्मे होगी कि वह आके शफात करें लेकिन अहम तरीन सवाल यहाँ पर यह होता है कि शफात मासूमिन करेंगे और ऐसे अफराद की करेंगे कि जो उम्मत के गुनहगार अफराद हों और हम लोग ये जानते हैं कि मौला कैनातलाम को भी येदा दिया गया है कि कयामत के दिन वो जहन्नम और जन्नत के दरमियान खड़े होंगे और फरमाएंगे हाज अली वाज कि जन्नत से कहेंगे ये मेरा है और जहन्नम से कहेंगे ये तेरा है लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कैसे अफराद हों कि मौल कानातलम कह सकें कि यह मेरा है आम तौर से हम सारे लोगों को नहीं कहते कि ये मेरा है या उनको मुझसे नस्बत है हम ऐसे ही अफराद को कहते हैं कि इनको हमसे नस्बत है कि जो अल्लाह की बारगाह में यकीनन अपने आप को कोताही उनवान से दिखा सकें लिहाजा अगर बहुत ज्यादा इंसान जो है वो अपने आमाल में ऐसा है कि जो चोर हो मिसाल के तौर पर हम कभी नहीं कहेंगे कि इसको हमसे नस्बत है ऐसा इंसान कि जो हमारी निगाहों में ऐसा हो कि हम कहें कि भाई ये इंसान हमारी, हमारी क्वालिटी के एतबार से नहीं उतरता तो हम कहें कि ये जो है हमसे नस्बत रखता है तो लिहाजा हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मौलाए कायनात योम क़्यामत ये बात कह सकें कि ये इंसान मेरा है मेरा चाहने वाला है कहीं ऐसा ना हो कि, कि वहाँ पर उन्हीं को शर्मिंदगी महसूस होने लगे हमारे अमाल की कोताही की से कि वो इस बात को कहने से भी शर्म महसूस करें कि ये मेरा चाहने वाला है आइए आखिर में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको इस लायक बनाए कि हम सब अल्लाह की बारगाह में ऐसे अफराद बन सके कि पहली बात तो तौबा करके दुनिया से जाएं कि शफात की एहतियाज ना हो या कम से कम ऐसे बने कि परवरदिगार आलम हमारे शफात को शामिल हाल कर सके वसल महमदिन वयबीना